ते आज मेरी एक गल और भी कन खोल के सुन ले सारा कि अगर तने इस रन को लो पीछा न छुड़ाया तवा इतनी महंगी पै जासिया कि याद रख से। मैं पूछ सकना कि तुसी कौन हो? मेरा नाम नुशाद है ते कुल कॉलोनी दे विचकार रहना वा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक काम करना वा, और कुछ? मेरा ख्याल है कि मेरे पूछने से तुसी खफा हो गए हो। इंस्पेक्टर साहब, पूछ कुछ ते मशकूक बंदे तो ही कीती जांदी है ना। ओ गल इस तरह दी है नौशाद साहब के मैं एक कुड़ी जमीला नाल ब्याह करना चाहूँ ते एक बंदा मेरे रस्ते दे दीवाल बना है। वो बंदा उसनु चाहता सी ना? हाँ, बल्कि इस कुड़ी दा उस बंदे नाल मंगेवा भी हो चुका। कौन है कुड़ी? मेरे चाचे खान बहादुर दी थी जमीला नाम है उसका। फराज ने अपनी भैन नू लखा रुपए दाज दिता है। इसका मतलब है फराज बड़ा अमीर बंदा है? नहीं रवनवाज, नहीं। मैंने उसके कार के आस पास के लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा कि मामूली लोग हैं ते फराज हुण तक बेरोजगार आया ते हुण उन किधर काम करने लगा है। सर फिर पता करना चाहिए है कि की काम करता है। पर ये तो मेरी तस्वीर है। हाँ, ये तेरी तस्वीर। अज एक बंदा तुहानू कतल करने वास्ते ये पैसे मैनू दे के गया। मनु कतल करने वास्ते? पर क्यों? उस बंदे नू ये पता नहीं कि तू साड़ा दोस्त है ते तुहानू ते पता है असी जिसनू अपना दोस्त कह देने हैं उसकी जान की हिफाजत का बंदोबस्त भी असी करने। तू? हाँ मैं। मनु देख के हैरान क्या हो गया है? तो तापड़े वालों मनु मार सटाया मगर मैं हुण भी जींदा हूं। फराज, मैं तनु क्यों मरवांदा? रकाबत दी अग बड़ी पैड़ी होंदी है मंजूर, मैंने तेरे चेहरे ते रकाबत दी सही उसी दिन देख लेती है जिस दिन तने मैनु जमीला नाल देखाया। जब जमीला ने मैनु कह दिता है कि तू उस दमंगेतर है ते मेरे ख्याल फिर उस तो बाद मेरा तेरे नाल कोई वास्ता नहीं आया तो फिर तने मैनू मारने का मनसूबा क्यों बनाया? मने फराज, मने कोई मनसूबा नहीं बनाया। पहचान मनु तनु ते बता मनु तने नोट मनु मरवाने वास्ते किसने दिया है? तने मैनू मरवाना ही है ते नोट खर्चने की क्या जरूरत है? मनु आप ही मार देवे। तो तापड़े वालों मनु मार सटाया मगर मैं बच गया। चाहिए तो यह वेख्या हूं मैं तेनू मार सटा। मैं तेनू किसी दे सिर दे सदके विच माफ करना वा। चुक ऐ नोट, तू मैनू मरवाना चाहता है ना? पकड़ी पिस्तौल ते मार सट मैनू, मार सट।
अस्सलामुअलैकुम सरदारे। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तेनू पछाणा नहीं गा। तेरा एक दोस्त है जफर। खुदा बख्शे उन्हों, बड़ा सती जवान है। मैं उसके मामे का पुत्र हाँ। ते मेरा नाम फरीद है। फरीद, 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 फरीद। के नाम दसे तू सा? उच्चा सुनने सरदारे, फरीद। पर उन्हें तेरे बारे कोई जिक्र नहीं किया। जिक्र नहीं किया है ओ सरदारे, वो मेरा जिक्र किस तरह कर रखता है? मैं जेल बेचे हाँ, ते 7 साल बाद रिहा होके आया। 7 साल बाद जेल? तू जेल किस जुर्म बच गए? ओ सरदारे, जेल कोई नेकी करके जाता है? मेरे ते मनुष्यात का इल्जाम है, ड्रग्स का, समझे? ते सरदारे, जेल की जिस बैरक बिच मैं हाँ, उस बिच मेरे नाल तेरा एक दुश्मन भी है। दुश्मन? केड़ा दुश्मन? निसारा। निसारा? केड़ा निसारा? केड़ा निसारा? ये भी मैं दसा। ओ सरदारे, वही निसारा जिसा तुद कतल कर छोड़े आया। पर मैं तो किसी ने कतल नहीं किया। कतल ना किया उसिया ना निसारे, ते किसी को मरवा छोड़ा उसिया। तू मतलब दी गल कर, मेरे को किस वजह आया मैं? ए ओई ना गल पत्ते दी, तू बह मैं तू दसा मैं क्यों आया। सरदारे, मेरा एक दुश्मन है जड़ा मैं मारना चाहता है, ते मैं इस सिलसिले में तेरी मदद चाहिए। जी मदद? सरदारे, तू मैं इतने अपने को अपनी हिफाजत पर रख छोड़, या तो फिर मैं कोई ऐसा तरीका दस कि मेरी उसको ना जान बच चुल है। ते जो दो के तनु मारना चाहते तो तू उन्हें मार छड़ना। और नहीं सरदारे, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये काम मैं ना कर सकता। तो फिर किसी को पैसे दे के मरवा छोड़। सरदारे, तू फिर मैं कोई ऐसा बंदा दस ना जो पैसे कहें कि उसका मार छोड़े। हाँ, एक बंदा तो है मेरी नजर। सरदारे, सरदारे, वो कौन है बंदा? उसका नाम नौशाद है। नौशाद? ते बड़े काम का बंदा है। सरदारे, ये बंदा है ते एतबारी ना? एतबारी है, तू जाके उन्हें मिल। देखी सरदारे, किधर ए ना होवे बंदे आ, ओ मार छोड़े ते पुलिस मेरे ते शक करती फिरे। ओ ना ना, निसारे ने भी उसने माराया ना। सारे नौशाद मारया है? नहीं वफा, नहीं, सारा मेरी सकी पांजी नहीं गई। गरीबी बड़ी भैड़ी शहर में, मेरी गरीबी ने उन्हें अपनी पांजी बढ़ा देता है, वरना मैं तक कहना प्याग लगे। तू खाली मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जा, वत जो तू चसे इस कारी चोसी के ख्याली। मामे, ना मैं किसी दा सहारा बननी आ, ते ना मैं किसी नू अपना सहारा बनान दी आ, ते तुसी भी एक मेहरबानी कर सो। हुकुम कर के देख। जितना जल्दी हो सके ए कार खाली करो, क्योंकि मैनु तुसी बर्दाश्त नहीं होन देओ। जल्द अज जल्द कार नू खाली करो, मनु बार बार ना कहना पै। ठीक है वफा, मैं तो चाहना है कि तू मेरे साये तले रहे, पर तेरी मर्जी नहीं गई। धन
ना सही रिया कार खाली करना तो जिस वाड़ा बड़ा शुक्रिया सियानी वफा मेरा नाम मामा वैद है तेरा सिर गंजा करके तेनू पिछोर इतना फिराया तो वैदा न कमी खरदा जाल कमी खरदा जाल खैर ते है वे मामा आज अपने नाल आप गला कर दे गला पे नहीं करना हूं तो पिया ये नहीं देखने अपने स्यापे पिया करना जो भी तेरे हथों वाह जी वाह डाडा कम कीती पुत्र साडे नाल लेकिन मामा मैं ते कदे तो साडे नाल उच्ची गल नहीं की तो फिर क्यों है मैनू लगता है तुहानू कोई गलत फहमी हुई अठुआ मुंह कुछ नहीं कहंदा निशात अठुआ पूछुल सी डंग मार दे खैर तने अच्छा नहीं कीता वफा नू ये कार दे के ते हां ये कार ता पहले सारा दे नाते आया ना वो मामे ये कार पता नहीं किस किस ते ना आया अच्छा छोड़ ना गलनू बनुए दस के तुहानू के प्रॉब्लम मनु के प्रॉब्लम है ए वही के वफा कहंदी है के करो चंडी कर तू के कहने देख मामा अगर तू नाराज ना होवे ते मैं तुहानू किराए ते क्वार्टर लेके दे देव अल्लाह तो हुण नौबत इत्थे आ गई देखो मामा मैं तुहानू पहले भी कहे के अगर तुसी नाराज ना हो तो मैं तुहाडी ये टेंशन रिलीज कर देव और तू मेरी टेंशन ते बला पा तू ये बता तू किधर आए दरअसल मामा मैं वफा नु मिलने वास्ते आया तवज्जो बेडरूम में बैठी हुई है अच्छा ठीक है मैं जाना हूं गले तू इतनी परेशान क्यों है नहीं नहीं कोई गल नहीं नहीं वफा कोई गल तो है मामे ने मेरा मूड खराब किया देख मामे दी पूछल ते पैर ना रख मेरा मतलब है कि मामे नाल छेड़छाड़ अच्छी नहीं गई मामे सी जितना दूर रह से ते फायदे च रह से अच्छा चल छोड़ किस तरह आए अब इस तरह ना देख ओ क्यों अब नौशाद तू पावे ना बोल तेरी अखियां ने मैनु सारा कुछ दस दिता है शुक्र है मेरी अखियां दी गल ते समझ आंदी है तुहानू अस्सलाम वालेकुम खान बहादुर साहब अल्लाह बड़ा करे तुम अपने सुनाओ खैरियत है बस शुक्र है खान बहादुर साहब
मैं काफी दिन तो तुसा नाल गल करना चाहना है जी, पर सोचना है कि किरे तुसी खफा ना हो जलो। नहीं नहीं कसीम जान, मैं पहले तेरे किसी गल का बुरा मना है, दस के गल। खान बहादुर साहब तुसा मंजूर हाँ अपने बिजनेस में हिस्सा तो दे छोड़ा, पर वह मैं कोई अच्छा आदमी नज़र नहीं आता। वो क्यों? तुसा तो पता है वो अपनी बीवी नाल के सलूक पिया करता। वो कसीम जान वो आपस रन खोन ते कारे कारे चगे लगे रहते, अज अगर अलहद हो तो घर फिर इकट्ठे हो जाए। पर मैं तो सुना है कि उस तेरी दौलत तर दान तेज किए हुए, वो तेरी दौलत की खातर जमीला नाल ब्याह करना चाहता। वो कसीम जान मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं कि मैं अपनी तीता रिश्ता उसने देसा, ये चीज़ उसने खुद सोच लेनी चाहिए सी पहले। खान बहादुर साहब तो फिर तुम जमीला का ब्याह कर छोड़ो ना, ताकि मंजूर दे दिले बिचो जमीला का ख्याल ही नहीं भूल। वो कसीम जान मैंने एक जानदार दो दफा अपने पुत्र का रिश्ता जमीले वास्ते लैके आया, तो चूंकि मेरे बराबर के लोग तो मैं सोच रहा पे कि मैं आ कर दूँ। एक ही ब्याह तो खान बहादुर साहब तुसा तो जमीला का रिश्ता फराजा दिता है। हाँ तू ठीक पे कहना है, मगर मैं वो रिश्ता खत्म कर छोड़ा। क्यों कसीम जान? क्यों दा जवाब तू जान ले। पर मैं तो आखसा खान बहादुर साहब कि फराज कुछ भी नहीं करता, पर तुसा कोल तो खुदा दा दिता सब कुछ है, सारी जिंदगी फराज ते जमीला बह के खाउण दे तां भी ना मुकसी। हाँ मगर आए खान बहादुर साहब तुसी अगर मगर नू छोड़ो तो मैं तो कहना कि खुदा ते भरोसा करके हाँ कर दियो। नहीं खालू जान, मनो अजला ब्याह नहीं करनी है। क्यों पुत्र? मेरा MBA करने का इरादा है, उसके बाद शादी ना सोच सा। ठीक है नौशाद साहब, मेरा ख्याल है कि फराज हूँ साढ़े हथों निकलने लगा है। नहीं अनवर नहीं, पंछी दे पर कुतरे जावन ओढ़ना भी चावे ते नहीं उठ सकता। मगर नौशाद साहब मैं इस गल ते हैरान हाँ कि मंजूर तो उसका दुश्मन आया, वत इसने उसने कत्ल क्यों नहीं किया? रिश्तों की जंजीर उसके हाथ बधे हुए इस वास्ते, लेकिन उसनु कत्ल करना साढ़े वास्ते बड़ा जरूरी हो गया अनवर। बरे ओ क्यों नौशाद साहब? गुलजार नु साने क्यों कत्ल करवाया या? ए ता सीधी सीधी गल है नौशाद साहब, ओ साढ़े कारोबार दे सारे राज जान चुका या। हाँ बस यही गल है, ए भी साढ़े कारोबारी राज जान चुका वे इस वास्ते। ता गल वैसे सोचने दी है नौशाद साहब, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसमें कत्ल कौन कर सी। अच्छा लिया, इसनू कत्ल न तू कर से ते न मैं कर सा, कानून कर सी कानून। हैं? कानून कर सी? हाँ हाँ, गुलजार दे कत्ल दे चरम बिच। अस्सलाम वालेकुम निशाद साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ शमरेज, आज मैं तेरे बारे में ही सोचना है, तो दे कम करना है वो कम ए वे के गुलजार अली चोरी की टैक्सी मंजूर दे घर जाके खिलवा, लेकिन एक गल का ख्याल रखी कि मंजूर हाँ बिल्कुल पता ना चले। और तू जा। खली हुई है वो तेरी है ना? नहीं इंस्पेक्टर साहब,
तो फिर ये टैक्सी तेरे कार च क्यों खड़ी हुई है? मनु नहीं का पता ये टैक्सी चोरी दी है, इसका मालिक कत्ल हो चुका है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मनु कुछ भी नहीं पता। असि तेन चोरी टैक्सी ड्राइवर के कत्ले जुर्म गिरफ्तार करने हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर साहब तुसी मेरी गल तो सुनो, टैक्सी मेरी नहीं गी। तेने जो कुछ भी कहना है अदालत च कवि ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब देखो ना गोद तुहानू गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब कहना ही था ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब तुसी मेरी गल सुनो, तुहानू गलतफहमी हुई है। तुसी मेरी गल सुनो इंस्पेक्टर साहब। पंछी पिंजरे च फस गया अनवर। मगर पता है नुशा साहब कि गुलजार का जरा कातल है वो मंजूर नहीं गा। लेकिन गुलजार दे कतल का इल्जाम वो अपने सिर नहीं कह नकता। ये गल भी ठीक है नुशा साहब। और फराज साढ़े शिकंजे बेच पूरी तरह फंस गया है। असी जिस तरह उसनु कैसा वो उसी तरह ही कर सी। अगर ना कर सी तो फिर अपना सिर खासी। ठीक है दूजा। हाँ रब नवाज, मंजूर ने अपने जुर्म का इकरार कर लेते? नहीं सर, फिलहाल जुर्म से इनकारी है सर। कोई गल नहीं गी, थोड़ी देर बाद खुद इकरार कर ले सी। सर मैं खबर लेके आया। हाँ बोल दुरानी, क्या खबर है? सर मैंने गाड़ी देखी है, मनु शाह के उसे कि उसे कार को नाजायज माल है। हला किते हो गाड़ी? चल बतला आरब नवाज। हाँ आरब नवाज, साने और इस पॉइंट ते काम करना वे कि फराज थोड़े दिन विच इतना अमीर किस तरह हो गया। सर इस हवाले नाल उसका ताल्लुक फारूक के कारोबार नाल भी हो सकता, मगर एक बंदे का काम नहीं गा, ये पूरा गैंग है। सर अगर ये गैंग पकड़ा जाए तो हो सकता है कत्ल की वारदात के सारे मुजरम भी पकड़े जाए। मगर नवाज ये दोनों जुर्म वक्री वक्री नवीद दिन असलहे ते बारूद का कारोबार करने वाले कौम ते मुल्क ते दुश्मन ते कतल मकातला दी असल वजह जाती अदावत आउंदी है। मगर सर रिपोर्ट दे मुताबिक गुलजार दी किसी दे नाल कोई दुश्मनी नहीं आई। दुश्मन छुपा भी होंदा है ते मकतूल निसार दा दुश्मन खकारा वे। मगर सर असी इस खातर उसते हाथ नहीं पा सकते कि वारदात दे वक्त वो थाने च मौजूद है। पर नवाज अगर किसी बंदे दा दुश्मन वारदात दे वक्त थाने विच मौजूद होवे तो वो अपने दुश्मन नू मरवा नहीं सकता। बिल्कुल मरवा सकते शाह जी साहब, तो मेरी तफ्तीश दा रुख भी उसी वाले। हाँ जी मनु पूरा यकीन है मेरा मंसूर चोर ते कातिल नहीं गा। खुदा करे भी कुछ होए, मगर तनु तो यकीन हो गया ना कि वो कितना लालची आदमी है। जी हाँ जी। तो तनु ये भी तसली होगी उसी कि उन्हें मेहर का घर हासिल करने वास्ते किड़े किड़े अरबे इस्तेमाल किए। जी तो ये भी तनु पता लग गया कि उसने इस घर की खातर तेरे ते कितने कत्ल दे हमले करवाए। जी हाँ जी। तो फिर तू अजीब रहने सलमा कि तनु अच्छी तरह पता है कि वह बंदा मेरा दुश्मन है, तो तू वद भी उसकी खैर भी मांगनी। तुहाडी गल ठीक है खान जी, पर तुसी मेरे मंजूर नु बचा लो खान जी, बचा लो मेरे मंजूर नु। देख पुत्र तू कितना उदे नाल प्यार करनी है, ते लानो ते उस मंजूर ते कि उदे कोल तेरी कदर दिंगी पुत्र। खान जी वो लाख पूरा भी करे पर है ते मेरा शोर ना, ते शोर लाख पूरा भी करे बीवियां कदे भी उन्हां दा बुरा नहीं चाहंदियां खान जी। ठीक है पुत्र, अफरीन है तेरे ते कि तू उस दे नाल इतना प्यार करनी है
ते इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी है तू, ते लानत है उस मंजूर ते। ठीक है तू इस तरह कर कि तू उदे कोल जावे ते उदे कोल ए पूछ के असल हकीकत के वे, फिर मैं उनु बचाने की कोशिश कर सा। हां जी तू संधि चासत होवे ते मैं जावा उस तक। हां पुत्र जा ते उदे कोल पूछी के असल हकीकत के वे। दिल ओला ना कर। तेरा नाम फराज है ना? जी हाँ मेरा नाम फराज है। तू सानू देख के नशा क्यों है? मैं तुहानू देख के नहीं नशा इंस्पेक्टर साहब, बल्कि तो मैं तो एक चोर नू पकड़ने वास्ते उस पीछे दौड़ा है। चोर? जी चोर। कुछ दिन पहले वो मेरे को पैसे खास के नास गया, तो आज मैं उसे बाजार ही देख के दया। तू ये बतला कि कयूम दे क्वार्टर विच एक बेवा औरत है कार, तू किस वास्ते जाना उन्हें? वो एक गरीब औरत है, तो मैं उसकी मदद करने वास्ते जाना। वाह तू तो बड़ा सखी है कि मदद करने वास्ते लोका दे कार पहुंच जाना है। किसी बेवा गरीब औरत की मदद करना गुनाह नहीं इंस्पेक्टर साहब। मगर एक जवान बेवा दे कार उसकी मदद करने दे बहाने आने जाने नु गुनाह समझ जाते मिस्टर। मैंने सुने कि तने अपने पैणे दी ब्याज वास्ते बहुत सारा जेवर भी खरीदो है। तू काम के करना में तेरे को इतना पैसा आया कि तुवे? इंस्पेक्टर साहब मैं बताना, ये मेरा बिजनेस पार्टनर है। तू के काम करना में? मैं तो अनु पहले भी बतला चुका हूँ कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है वे, तो इनकम टैक्स की रसीदा भी है। ये फाइल तुसी देख लो, तुहानू खुद ही अंदाजा हो जासी कि मैं के कारोबार करना। शाह साहब इस शहर की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है जी। इंस्पेक्टर साहब बस ही फराज में ले जाने वास्ते। ठीक है तू फराज नू ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब। सर जी फराज साढ़े को अंडर तफ्तीश है। नहीं रमनवाज इस तू जाने दे। थैंक यू वेरी मच। हाँ फराज शाह जी मैंने तुहाड़ी ही गल समझ नहीं आई। केड़ी गल? कि तुसने उन्हां नूं इंज जान दिता है। हाँ रमनवास इसका मतलब ये वे कि साडा शक गलत है। नहीं रमनवास नहीं, साडा शक बिल्कुल सही है। वो किस तरह सर? और इस तरह के वफा दा शौर कतल हो चुका है, तो ये दोनों उसके घर जाते रहते हैं, तो इन्हों दोनों का उत्थे जाना इस कोई राज जरूर है, तो इस राज का पता मैंने लगाना उसी। बड़ी गर्मी भी लगती है तेनू हैं? ओए वक्त कद्दू पकाना है। ओए हाँ याद आया फकीरे गल सुन यार, वो हकीम साहब ना हकीम साहब वो कहते हैं कि जेड़ा कद्दू है तो इस जेड़ा तेल निकलता है ना तो दिमाग नू ताज़ा रखता है, बड़ा ताकतवर है। ये सच गल है? ठीक कहने हकीम साहब ठीक कहने। अल्लाह मेरी गल सुन ना, एक गल तो है वे अगर कद्दू नू ये पता लग जाए कि मेरे च दिमाग वधाण वाला तेल है है ते कद्दू तो मत अपने आप नु खा जासी ना, ए दा तने सच के है। अले दस के ए तेल किस तरह निकलदा कद्दू दा? टाइम कद्दू पकदे ना हां उस जेड़ा शोरा होंदा है ओही ते असल तेल है। ओए तो वत आसान गल ही ना बाबा, बस ए जेड़ा शोरा है ए मैं अपने सिर ते बन लेसा ताकि मेरा सिर जेड़ा मेरा दिमाग रोशन रहे। नहीं चले नहीं ना। हां
ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟੂਈ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂ ਲਾ ਕਟੂਈ ਨਾ ਨਾ ਕਟੂਈ ਨਾ ਹਾਂ ਪਤੀਲਾ ਪਤੀਲਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪਤੀਲਾ ਵੱਡਾ ਪਤੀਲਾ ਲਾ 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 ਉਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੱਦੂ ਖੁੱਟਕ ਖੁੱਟਕ ਕਰਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਲ 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 ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਲੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਰੱਗਾਂ ਖੁੱਲਸਾਂ ਨਾ ਓਏ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਵਾ ਓਏ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਸਾਂ ਐਸੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸੜ ਜਾਸੀ ਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਸੀ ਓਏ ਚੱਲੇ ਤਾਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰ ਤੇਰੇ ਮਗਜ ਦੀ ਰੱਗਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਸੀ ਅਲਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਵੇਖਸੀ ਓਏ ਬਲਾ ਪਾਵਸ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਗੈਟ ਆਊਟ ਗੈਟ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਐਰ ਨਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਖਰਵਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਖਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਮਗਰ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਗਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰੁਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਮਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਰਮਾਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਚਾਚੀ ਗੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ ਗੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਟੈਕਸੀ ਚੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਫਰਾਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੇ ਕੋਲ ਫਰਾਸ ਤੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਕੋਲ ਫਰਾਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਾਚੀ ਗੁਲ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਾਚੀ ਗੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਅਸਲ ਚੋਰ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸਾਂ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਫਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਾਂ ਦੇਖ ਵਫਾ ਤੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਖੈਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦਰਅਸਲ ਵਫਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਇਹ ਦੱਸੋ
चाह ले सो या ठंडा? मेरा पहले ही गला खराब है, तू ठंडा पिला के और मेरा गला खराब करनी है। और तू गला ना बदलाते तू मैनू ये दस के तू क्यों परेशान है? मैं गुलजार दे बारे च सोच रही हूं। गुलजार दे बारे में? अच्छा 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 अच्छा, तू उस हकीकत तो इनकार कर रही है कि गुलजार मर चुका है। अब दरअसल मेरा मतलब है कि वो तेरी पहली मोहब्बत है ना? सारा भी ते तुम्हारी पहली मोहब्बत है। वफा, उस मनुष्य का नाम ही ना ले मेरे सामने। तुसे ते अभी नाराज हो गए हो, मैं गुलजार के कत्ल के बारे सोच रही हूँ। दरअसल मैं भी बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि गुलजार के कातिल मिल चुलन ते उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचावा। नुशाद, मैं भी यही चाहनी हूँ। एक सेकंड। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं पहुंच रहे हैं। ओके ओके, दरअसल वफा मेरी एक बड़ी जरूरी मीटिंग है तो मैं उत्थे जाना है। ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यकीनन। जी सर। सर साधे मुजरम के खिलाफ गहरा तंग कर देते हैं, मुजरम कानून की गिरफ्त तो बच नहीं सकते, जल्दी गिरफ्तार हो सुन सर, तुसी बेफिक्र रहो सर। राइट सर, राइट सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर। हाँ फरीद, क्या रिपोर्ट ले आए? सर मैं अपने मिशन में कामयाब रहा। गुड। पहली रिपोर्ट है सर कि नसारे नू सरदारे नू पैसे दे के मरवाया गया। तुहाने उस उधर दे कातिल दा पता कितने के कौन आया? सर असल में सरदारे नुशादे नू इस काम जो के पैसे देते हैं, लेकिन सर फिलहाल इस गल का पता नहीं चल गया कि नुशादे ये काम किस को करवाया। बिल्कुल ठीक है सर, अगर नुशादा पकड़ा जाए तो उजरती कातिल का भी पता लग गया सी। ते सर दूसरी रिपोर्ट ये है कि बारूद का कारोबार नुशादा करता है। गुड फरीद, गुड, वेरी गुड। दुरानी, इस नु कहंदे नहीं सीआईडी वाला, तू भी सलूट मार के कहना मैं सीआईडी वाला हूं। सर फरीद ने खाली पता लगा है, अगर मैं जाना तो बंदे पकड़ के ले आना सर। बस दुरानी बस, मैंने तेरी कारगुजारी देख ली थी, तू बाहर जा ते परेड कर। हाँ फरीद, तने फराज के बारे में मालूम थी कि तेन? सर फराज के बारे में भी रिपोर्ट कर तो मिल जासी। गुड फरीद, तेरी गुड आउटपुट की वजह नाल मैं अफसर ने बारे नू तेरी रिकमेंडेशन कर सा कि तनु वन स्टेप प्रमोशन दी जावे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तू जा सर। ओके सर, बैठ नवाज़।